आपको स्वागत है। मैं हूं आपका अपना हरि और भाई साहब, आज मैं पंजाब में और आपको एक ऐसी जगह पे लेके आया जहां पे 159 रुपीस में 20 प्लस आइटम्स मिलती हैं, जिसमें पिज्जा, नूडल्स, पास्ता, स्टार्टर्स और भाई पता नहीं क्या क्या मिलता है यहां पे। आपको सब दिखाते सब बताते, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आ जाओ मेरे साथ भाई साहब आज नेक्स्ट लेवल। भाजी मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में जितनी प्लेट्स है, एक बंदे के हाथ में भी पूरी नहीं आ रही। क्या क्या दे रहे हो और कितने में दे रहे हो? 20 प्लस आइटम है, 159 है जी। हाँ जी, 20 प्लस आइटम्स, जिसमें पिज्जा भी है, नूडल्स भी है, पास्ता भी है, मंचूरियन भी है, पनीर भी है, कड़ी भी है, आलू भी है, चाप भी है, राइस भी है, दाल भी है। और भाजी आप ये जो राशन है ये कहाँ से, भूटान से ला रहे हो? नहीं सर, अभी तो जलंधर से ले रहे हैं। जलंधर से ले रहे हैं? हाँ। भाजी मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरे से रुका नहीं जा रहा, आप पहले आइटम्स ही दिखाओ। और एक तरह जो आपने डेकोरेट करके रखा हुआ है बहुत ही बढ़िया तरीके से, ये देखो हमारे भारत के तिरंगे के जो तीन रंग है वो भी है यहाँ पे। तो भाजी दिखाओ, सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। ये क्या चीज़ है जी? सर जीरा आलू। ये जीरा आलू भाई, इंडियन पिकनिक्स के फेवरेट, इसके साथ पराठा हो तो मजे आ जाते हैं। और भाजी बुफे में आप जीरा आलू दे रहे हो, ये कैसे सोचा आपने? सर हम तो कल मिक्स वेज भी दे रहे थे। अच्छा, कल मिक्स वेज भी दे रहे थे? अरे वाह, मैं कल क्यों नहीं आया। तो ये है जी जीरा आलू और साथ में क्या है सर? सर कड़ी पकौड़ा जी। मैं आपको एक सबसे बढ़िया चीज बताता हूँ, सर ने ना यहाँ पे एक तो इधर रखे हुए जी गर्मा गर्म खाना, और एक तरफ यहाँ पे डेकोरेट करके भी रखा हुआ ताकि उनके जो कस्टमर्स हैं वो जब आके देखे कि उनकी प्लेट में खाना कैसे सजेगा तो ये भी पता चल जाए। तो सर कढ़ी एक बार चला के दिखा दीजिए प्लीज। ये कढ़ी है जी, एकदम घरेलू कढ़ी है, पकौड़े डाले हुए हैं जी साथ में। और भाई ये क्या है जी? होटल स्पेशल तवा चाप है सर। ये तवा चाप है? हाँ जी सर। सर मुझे पहले लग रहा था मटन रोगन जोश है। सर ये रोगन ही उसको ऐसा है ना जी, फ्लेवर वही है। अरे वाह, फ्लेवर्स वही है जी, पर हम जो वेज लवर्स है जी तो उनके लिए हमने मटन की जगह चाप डाली। ये तीन तरीके की चटनियां हैं और जिस तरीके से लगाई गई हैं भाई मजा आ गया। कमेंट्स में जय हिंद बोल दो भाई। ये देखो इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है वैसे। सर सैफ्रन व्हाइट और ग्रीन का ये कॉम्बिनेशन है, ये पुदीने की चटनी है, साथ में रायता है, ऊपर शायद केचप है ना। हाँ सर, बढ़िया। और सर नेक्स्ट दिखाइए जी क्या सब्जी है। ये पनीर है, कढ़ाई पनीर है, स्पेशल कढ़ाई पनीर है सर। ये है जी हॉट ड्राइव का स्पेशल कढ़ाई पनीर, और भाई कढ़ाई के अंदर से निकल के सीधा कस्टमर्स की प्लेट के ऊपर, और भाई इसके साथ शिमला मिर्च, प्याज और खड़े मसाले हैं। और सर पनीर फ्रेश है? फ्रेश वैसे तो सब यही बोलते हैं सर। सर मुलायम आप खा के देखना और अच्छा बताना मेरे को क्या है। मतलब ये बुफे में भी आप हाँ फ्रेश पनीर दे रहे हैं सर? आला कार्ड जो क्वालिटी देंगे सर, आप अगर आला कार्ड में ऑर्डर करोगे ना सेम क्वालिटी होगी जी, एक रुपया भी कम नहीं लूंगा सर। अरे वाह, तो मतलब ये सेम वही चीज आप आला कार्ड में दे रहे हो? सेम सेम सर सेम। अब बात है भाजी, कोई जादू मंत्र तो नहीं पढ़ा हुआ? मतलब कैसे आप 159 में लोगों की भूख कम कर देते हैं, फिर क्या करते हैं? सर पता है चक्कर, कस्टमर जब खुश होके क्या करते हैं ना सर, बहुत बढ़िया खाना सर, उससे पेट भर जाता है। सर नेक्स्ट दिखाइए क्या है जी। सर ये दाल है भाई, पंजाब आए वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, दाल मखनी ना खाई तो आपका पंजाब का जो चक्कर है ना वो अधूरा है। वाह, ये देखो दाल एकदम बढ़िया, एकदम जबरदस्त, और इसको देख के मुंह में पानी आ रहा है। काजू मखीज भी डाले हुए सर आपने? यस सर, यस सर। वाह, तो आगे क्या है सर? सर इसमें सर पी पुलाव है। हाँ जी, आज पी पुलाव है। पी पुलाव? हाँ जी सर। मटर पुलाव सर? मटर पुलाव है, इसमें भी सैफरन भी है, ग्रीन भी और वाइट भी है, और फिर से चटनी आ गई। चटनी आ गई। और सर नेक्स्ट क्या है जी? सर ये हमारी स्पेशल चाप टिक्का है। मैं अब रियलाइज कर रहा हूँ हम थोड़ा उल्टा हो गया ना। हाँ। आप पुट्ठा शुरू कर स्टार्टर्स तो एंड कर रहे हैं। चलो फूड ब्लॉगिंग हो जाता है कहते कहते, पर एकदम मजा लेना चाहिए जिंदगी जी। एक ही है जी होटल स्पेशल तवा चाप, अपना चाप टिक्का। ये है जी हॉट ड्राइव स्पेशल चाप टिक्का, और भाई यहाँ पे आपको तंदूरी आइटम भी बुफे के अंदर मिल रही है। भाजी यकीन सा नहीं हो रहा। अब एक चीज बताओ, 159 के साथ बिल में कुछ और तो नहीं ऐड कर देते? नहीं सर कुछ नहीं। सर पक्की बात है, मतलब एक रुपया वापस भी दोगे? पक्का देंगे सर। वाह जी वाह, मतलब मुझे लग रहा है नीचे टैक्सेस और वो जो चीजें है ना वो ज्यादा कर देते हो गया? नहीं 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 सर, जीएसटी सर, जीएसटी है बस और कुछ। अच्छा वही है, मतलब वो इंक्लूडेड है 159? नहीं सर वो एक्स्ट्रा। अच्छा वो एक्स्ट्रा, तो कितना बन जाएगा टोटल 159 प्लस? 165 रुपीज़। बहुत बढ़िया भाजी, मतलब ये ऐसा तो नहीं ना कि 1600 रुपये बन जाएंगे? ना ना सर। सर ये हमारा सर होटल स्पेशल पास्ता है, टैंगी पास्ता है सर। ये टैंगी पास्ता है, इसके इसको देख के ना मेरे मुंह में एकदम बढ़िया पानी आ गया मखनी वाला। भाजी एक बार चला के दिखाओ, ऐसे मज़ा नहीं आया पास्ता तो। ये जो मेरी ऑडियंस है ना, जो मेरे परिवार वाले हैं वो बहुत पसंद करते हैं पास्ता, तो यहाँ पे भाई 159 का तो शायद बाजार में सिर्फ पास्ता ही मिलता है, आपको यहाँ पे बुफे में मिल जाएगा, अनलिमिटेड खाओ। सर ये मंचूरियन? ओ भाई मंचूरियन भी रखा हुआ है, मंचूरियन ग्रेवी सर। क्या बात है यार, मंचूरियन भी है साथ में और साथ में ग्रेवी है, एकदम गाढ़ी एकदम बढ़िया वाली। सर आपका यहाँ पे फेवरेट क्या है?
सर मैं तो वैसे सर कड़ी लाइक करता हूँ। अच्छा, कड़ी पसंद करते हैं आप? कड़ी चावल? कड़ी चावल। अरे वाह, सादा खाना। और सर लास्ट में क्या बचा है? सर नूडल्स। ये है जी नूडल्स। और सर ये साथ में आपने नूडल्स की कंघी रखी हुई है सर, ये क्या है, हेयर ब्रश है? हेयर ब्रश है। ये देखो जी, नूडल्स की कंघी के साथ नूडल्स को उठा के आपको दिखा रहे हैं। और ये बढ़िया नूडल्स हैं, एकदम एकदम बढ़िया लग रहे हैं, फ्लेवर अच्छा लग रहा है। साथ में सैलड है जी, और पिज्जा ऑन टेबल सर्व होता है। अच्छा, पिज्जा भी है? पिज्जा भी है, पिज्जा सर ऑन टेबल। वो 159 में क्या कुछ के 159 में? सही बात है, सही बात है सर, क्यों मजाक कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, मतलब पाजी आप पिज्जा भी दे रहे हो, 20 आइटम्स ये हो गई और उसके साथ पिज्जा। पिज्जा पाजी मतलब कहाँ से आप अरेंज कर रहे हो, ये जो अपना सौदा पत्ता कहाँ से ला रहे हो? सौदा पत्ता सर मार्केट से लेते हैं सर, और कहाँ से लेते? कहाँ की? इंडिया की मार्केट से? इंडिया से मार्केट से। पक्की बात है सर? नहीं सर। देख लो, भूटान से तो नहीं ला रहे? नहीं नहीं सर, वहाँ सामान सस्ता है सर थोड़ा। क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया। और पाजी अगर किसी को यहाँ पे खाने आना हो तो कहाँ आना पड़ेगा? सर ये सोडल मंदिर जंदर में, सोडल मंदिर के बिल्कुल साथ। अच्छा, हॉट ड्राइव। हॉट ड्राइव। और टाइमिंग्स आपकी? टाइमिंग सर दोपहर को 12:30 बजे से लेके रात को 11 बजे तक रेगुलर बफे चलता है। मतलब दोपहर को 12:30 से रात को 11:30 तक रेगुलर बफे। अच्छा, कोई टाइम इसमें कोई वो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। ब्रेक नहीं लेते आप? नहीं सर, तो 5 बजे जिसको भूख लगी वो कहाँ पे जाएगा? ओ भाई, होटल पे आएगा। क्या बात है। तो फिर सर अला कार्ट का क्या फायदा? अला कार्ट सर साथ साथ में अला कार्ट भी चल रहा है, बफे में भी आप अगर कुछ अला कार्ट चाहो जी तो आप ऑर्डर कर सकते हो, आपको किसी बफे नहीं मिलेगा ऐसा कुछ। भाई साहब ये लग रही है हमारी थाली, सबसे पहले तो भाई मैं डालना चाहूंगा यहाँ पे ये नूडल्स। ये नूडल्स हम डालेंगे, थोड़े कम डालेंगे यार, क्योंकि देखो हमने बहुत ज्यादा खाना है आज। ये आ गए जी नूडल्स, ये आ गए जी हमारी थाली के अंदर। सबसे पहले तो नूडल्स, इसके ऊपर ही मैं डाल लूंगा जी ये, नहीं ऊपर आएगा नहीं, इधर फिट करते हैं। ये आ गया जी मंचूरियन। पहली बार हमने थोड़ा उल्टा शुरू किया था, इस बार थोड़ा सीधा सीधा करेंगे। ये आ गया जी पास्ता। और मुझे लग रहा है यहाँ पे ना 3-4 चक्कर लगाने पड़ेंगे, एक चक्कर में काम मेरा होगा नहीं, क्योंकि भाई आपको पता है आपका हरिया कितना बड़ा भुक्कड़ है। ये पुलाव डालेंगे हम इधर, पाजी को कढ़ी चावल पसंद है तो इसी बात पे ये हो गई जी कढ़ी। भाई साहब मुझे पता है आप कह रहे हो कि पकौड़ा डालो, तो ये पकौड़ा आ गया। बहुत दिन हो गए हैं घर वालों के साथ कोई पिकनिक नहीं करी, तो आप सबके साथ ये आज की मेरी पिकनिक हो गई। ये आ गए जी आलू। और यहाँ पे बेस्ट पार्ट पता है क्या है कि ब्रेड टेबल पे आएंगी तो अभी प्लेट और भर सकते हैं। लाओ 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 पनीर। देखो भाई काफी बुफेस में ना पनीर नहीं होता, यहाँ पे पनीर भी भरा हुआ है पूरा। ये आ गया जी पिज्जा, तो अभी ट्राई करते हैं। ये इधर है जी ये ग्रेवी, और ग्रेवी डालते हैं। ओ भाई मुँह में पानी आ रहा है फुल ऑन। ये देखो इधर से मंचूरियन जो है इसको तोड़ते हैं। और ज़्यादा करके ना बुफेस पे क्या दिक्कत होती है कि फ्लेवर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सटल होते हैं, तो मुझे मतलब मैं चटोरी हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे ना एकदम एक्सट्रीम फ्लेवर चाहिए होते हैं, तो मतलब अगर बुफे पे जाओ ना तो फ्लेवर्स ना आए तो मज़ा नहीं आता। ये आ गई जी एक बाइट। ज़्यादा करके ना बुफेस पे दिक्कत क्या आती है कि नूडल्स ना ठंडे हो जाते हैं, बिकॉज जो नीचे गर्म पानी होता है ना वो नूडल्स पे इम्पैक्ट नहीं करता ज़्यादा। यहाँ पे नूडल्स भी फ्रेश हैं और एकदम गर्मा गर्म है। और भाई जो मंचूरियन ने समा बांधा है ना, मेरी बात मान लो, इतने ज़बरदस्त फ्लेवर है। ये पास्ता हम अभी ट्राई करते हैं यहाँ से। लो जी, हियर इज द पास्ता। ये है जी पास्ता। वो जो पिज्जा पास्ता सॉस है, चीज है, बहुत थिक है, पास्ता के ऊपर सॉस जो है बहुत ही जबरदस्त है। और भाई ऑरेगनो और चिली फ्लेक्स बढ़िया। पास्ता की क्वालिटी भी अच्छी है, मतलब ये नहीं है कि तो एक लो क्वालिटी का पास्ता होता है वो यूज नहीं किया हुआ है, अच्छी क्वालिटी का पास्ता जो है वो यूज करें। मेन गेम जो है भाई ये है, ये देखो ये कढ़ी चावल। हियर इज अ बाइट ऑफ द कढ़ी चावल। भाई मैं आपको बता रहा हूँ 159 रुपीज में पंजाब के जो बुफेज है ना बहुत कुछ कर रहे हैं, बट इतना कमाल नहीं कर रहे, बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर्स हैं। और सारे के सारे फ्लेवर्स जो है ना वो आ रहे हैं, ये नहीं है कि सटल फ्लेवर्स हैं, हल्का फुल्का स्वाद आ रहा है, जबरदस्त स्वाद आ रहा है कढ़ी चावल तो भाई। और भाई साहब दाल के बिना ना जाना पॉसिबल नहीं है, तो ये गर्मा गर्म दाल आई है जी। पंजाब की दाल और पंजाब का प्यार गो हैंड इन हैंड। ओ भाई बहुत ही ज़बरदस्त है, फ्लेवर सटल नहीं है यहाँ पे, एक्चुअल में आपको फ्लेवर आएगा, बुफे का मज़ा आएगा और बुफे का जो स्वाद है जो जायका है यहाँ पे आके आएगा। और 159 रुपीज़ के अंदर आपको ये सब मिल रहा है, आई डोंट थिंक देयर इज अ बेटर डील। हम बुफेज पे जाते हैं तो भाई वहाँ पे थाउजेंड, आजकल तो 1,100-1,200 तक का रेट पहुँच गया है, बट यहाँ पे अभी भी 159 में मिल रहा है। भाई जल्दी से जल्दी आ जाओ और पता चले यहाँ पे भी रेट बढ़ जाए, क्योंकि भाई आजकल रेट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हम आपको मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जिंदाबाद एंड साडा पंजाब, साडा हिंदुस्तान, जय हिंद। और अगर आप देखना चाहते हो ऐसी एक जबरदस्त वीडियो, अमेजिंग प्लेस आर सर्विंग अमेजिंग डिनर,
तो भाई ये देखो,